हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे बाबा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे गजानन भूत गणाधिसेविकां कपेत्रजम्बो भयचारुहतं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि पार्वण्यरोगो भक्तस्वभाव प्रेच्छामि त्वां धर्मसंमोहचेता यस्य यस्यान्निश्चितं रोहितव्ये शिष्यस्ते कविं पुराण मनुषासिदार मनोरमीयां समनुस्मरेत् सर्वस्य भागागमचिन्त्यरूप मागेत्य वर्णं तमस पश्यामि देवास्तवदेवदेह सर्वास्तथाभूतविशेषसंग्रहा ब्रह्माणमीशं कमलासनस्त नृसिंश्च सर्वा नुरगा अनेकबाहु गर्वकनेत्रा पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं मान्दमध्यं न पुनस्तवादे पश्यामि देशे स
कविता महर्षि नमो नमस्ते सुसहस्रदे को नमः पुरस्तारकृष्णदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्वानन्तवीर्यात्मकविक्रमस्तु सर्वं समाप्तो हिततो सघेति मात्वा सभ्यरूपं हे कृष्ण हे राघव हे सघेति अजानतामहि मान अवेदं चावासार्थमशक्ति दोषी विहाय हैया सर्वोजनेषु एकोत्रवात्यस्युतसमचं तच्छामयित्वा महमत्तमे पिताशी लोकस्य सरासरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्नात्मस्तवोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकप्रेत्यप्रतिमा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा महमीश वीर्यं देवं सखेव सख्यो प्रियः प्रियायासि हमेव माता चरिता तमेव त्वमेव बन्धु सुखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव राम। श्री गीता जी का पाठ दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 51 से 61 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलम् बुद्धिर्व्यतिकरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिवे प्रतिपन्नते यदा स्थास्यति निस्तदा समाधावचला बुद्धि सदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच
स्थित प्रज्ञस्य कभासा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किं श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनातोष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेष्वनोद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृह वीतरागभयक्रोध स्थितधीर्मनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेह सत्तत्प्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरति सायं कूर्मोऽङ्गानि वसर्वश इन्द्रियाणेन्द्रियार्थेभ्य स्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जो रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्थित इन्द्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीतमात्पर वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीतमात्पर वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरण Hare Sharanam.
भगवत गीता में मुख्य साधन शरणागति बताया है। अर्जुन और भगवान साथ में ही रहते थे, शैया सनातन विगतन बोधन आदि शैक्या वयस्वान प्रलब्ध सख्यो सखे प्रतिवर्तन ये सर्व से महान मैतया कुमते रघुवंश में। अर्जुन ने कहा है भगवान के पधारने पर कि साथ में शैया सनातन सोने में बैठने में घूमने में चलने में बात करने में साथ में ही रहते थे, मैं नहीं समझ पाया ठीक तरह से, तो हरदम साथ में रहते थे। पर जब तक अर्जुन शरण नहीं हुए तब तक गीता का उपदेश नहीं दिया। वो कहता है साधिमान त्वाम प्रपन्नम, त्वाम प्रपन्नम माम साधि, आपके शरण हूं मेरे को शिक्षा दीजिए, ऐसी प्रार्थना करी है। तो भगवान ने उपदेश शुरू किया और अंत में ये बात कही, सर्वकुजतम शास बताते हुए संयोग सर्वकुजतम भूय सुनवे परमम वच, परमम वच पहले भी क्या पर सर्वकुजतम शब्द वहां कहा है, गुह्य गुह्यतर गुह्य तम शब्द आए पहले, पर सर्वगुह्यतम एक ही बार आया है, वो मेरे से सुन फिर मन बना भव मद भक्तो मद्याजी मांग सुनु मामे वेश सत्यंते प्रजा ने पीयूष गये सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो ये शरणागति की बात अंत में कही। तो शंका होती है कि पहले जब भगवान में शरणागति की बात अर्जुन खुद शरण हो गया तो फिर भगवान ने शरणागति की बात क्यों कही? तो अर्जुन शरण तो हो गए, पर शरण होने के बाद ये सातवें श्लोक में शरण होते हैं, आठवें शोक का वर्णन करते हैं, नौवें में कहते हैं न जो चेत गोविंद भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसे कहकर चुप हो गए। तो तुम आज ऋषि वैसा प्रहसन ने भगवान हंसते हुए बोले, तो हंसी क्यों आ गई? कहता है आपके शरण हूँ शिक्षा लीजिए और मेरे बिना बोले ही निश्चय कर देगा युद्ध नहीं करूंगा। तो ये बालकों से क्या बातें कह रहा है हंसे भगवान, मानो शरणागति होने पर युद्ध नहीं करूंगा ये कहने का हक नहीं है, तो मानो शरणागति उठा ली। इस वास्ते भगवान ने वहां की माम एकम शरणम व्रज अनन्य शरण हो जा तू, उसे संदेह मत रख। और पूछने में जब शरण हुए तो धर्म समूढ़ सीता कहा, तो अंत में कहते सर्व धर्मान परित्यज्य तू, धर्म के ही धर्म अधर्म के निर्णय तू मत कर, इनको छोड़ दे। धर्मान परित्यज्य का अर्थ अपने धर्म के त्याग के लिए नहीं है, क्यों त्याग के लिए होता तो अर्जुन ने युद्ध किया है यार, शौर्यम तेजो धृदाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दान विश्व भाव क्षात्र कर्म स्वभावजम, एक क्षात्र धर्म है। तो धर्म का स्वरूप से त्याग नहीं, धर्म अधर्म का निर्णय करने के तुम कहता मेरी बुद्धि काम नहीं करती, धर्म समूढ़ चेता, तो धर्म का निर्णय तू अपने पथ मत रख, केरी केवल मेरी शरण आ जा। तो ये सब भगवान ने कहा, तो अर्जुन ने फिर कह दिया जा न युद्ध से कहा वहां कह दिया अब करीशे वचनम तब आपके वचन करूंगा, आप जो कहोगे सो ही करूंगा, ये शरणागत तो स्वयं हो गया। तब श्री भगवान उपवास नहीं है, फिर भगवान बोले ही नहीं। तो शरणागति खास तत्व हुआ गीता जी का, वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता, और गीता का सार शरणागति। तो ये सरल साधन है
सुगम है और श्रेष्ठ भी है। सब पापों को नष्ट करने का, उद्धार करने का सब कुछ भगवान अपने ऊपर ही लेते हैं। इस वास्ते जीव के शरण होने की बात खास है, तो भगवान के चरणों के शरण हो जाए, फिर भगवान सब कहते हैं सर्व पापे भी मोक्षयामि माशुतः। माशुतः क्यों कहा कि अर्जुन ने कहा कि मेरा शोक दूर हो नहीं सकता, देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी शोक दूर होने वाला है नहीं। फिर जमीन क्या चीज है, पृथ्वी क्या चीज है। तो भगवान कहते तू तो शोक मत कर, तू चिंता ही मत कर, मेरे शरण हो जा। तो वे चिंता छोड़ करके कृषि वचनों तो कह दिया। तो वेदों का सार उपनिषद, उपदेशों का सार गीता, गीता का सार शरणागति। तो जीव के लिए शरणागति बढ़िया है, बड़ा उत्तम साधन है, परंतु इस शरणागति की प्राप्ति थोड़ी सी कठिन है। किन के लिए कि जो अपना अभिमान रखते हैं कि मैं अपना साधन कर लूंगा, अपने बल से काम कर लूंगा, ऐसा जब तक अभिमान रहता है तब तक शरणागति प्राप्त नहीं होती। अपना अभिमान छोड़ लो जाए तो जैसे नींद लेना सुगम है, ऐसे शरणागति सुगम है। उनके शरण हो जाए उसे नाथ आप जाने, आप जाने, इतनी सरल है। तो इस सरल साधन है और सबसे बढ़िया साधन है। अपने पर जिम्मेवारी कुछ रहती ही नहीं, अब सब जिम्मेवारी भगवान पर चली जाती है। जो करना करवाना, जो कुछ है साधन साध्य, जो कुछ भगवान है, साधन भी भगवान और साध्य भी भगवान। मानो उपाय भी साधन भगवान है, उपाय भी साधन भगवान ही है। तो भगवान ही सर्वथा आश्रय हो गए। अब उस करने के, उसके लिए करना कुछ बाकी नहीं रहा। तो ये एक सार बात है, अपने इतना निशक्तक हुआ, सब कुछ हुआ। सबसे बढ़िया सार थी शरणागति। हम भगवान के हैं, भाई बहनों से कहना है, अपने हृदय से हर एक भाई बहन भगवान के चरणों की शरण हो जाए। हे नाथ मैं आपका हूं, हे प्रभु मैं आपकी हूं, ऐसे स्वीकार कर दें। और फिर चिंता नहीं करे अपनी, अब कोई चिंता नहीं है। लोक परलोक सब भगवान करेंगे। जब सुग्रीव के लिए कहा कि मेरे बल पर तुम छोड़ दे, सब मेरी घटवक काज मैं तोरे, सब तरह काज मैं करूंगा, तो लोक परलोक का भगवान करेंगे आप साफ। ये शरण हो जाना भगवान के। तो शरण होना है ये भक्त का काम है, और रक्षा करना सब तरह से पापों से दूर करना ये भगवान का काम है, और प्रेम करना दोनों का काम है। भगवान तो भक्त को अपना समझे, भक्त भगवान को अपना समझे। सबसे प्यारे भगवान है, और भगवान कहते मेरा प्यारा भक्त है, ये प्रेम करना दोनों का काम है। तो भगवान के चरणों में अपना समर्पण कर दे, और भगवान मेरे हैं। प्रेम के लिए त्याग तपस्या बहुत लोग बताते हैं, प्रेम के लिए इतने आसाधनों, प्रेम के लिए अपनापन कर ले, अपनापन। जितने संसार में नए नाते हैं वे सब कर सिमट कर एक भगवान के चरणों में हो जाए। जैसे मीरा भाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, अनन्य भाव माम एक अनन्य भाव से शरण हो जाए। दूसरे का सहारा रखते हैं ये बाधक होता है। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। दूसरे का सहारा नहीं है, कोई भगवान अपनी गति है। तो माम एकम शरण अनन्य भाव से शरण। और आश्रो और बल और आश विश्वास, दूसरा कोई विश्वास नहीं। एक राम घनश्याम सातु तुलसीदास, और कोई आश है विश्वास है भरोसा, एक भगवान का भरोसा। इसमें एक बात है, सेवा सबकी करना है, पर आश्रय किसी का नहीं लेना है। भरोसा है, आश्रय है, विश्वास है, ये हमें कर देगा, वो सहायता कर देगा, वो कर देगा,
ये मंगता अपना त्याग दे अपना, अपने किसी से कुछ देना है ही नहीं, करना है तो सेवा करना है, देना है, देने में कोई अर्ज नहीं, पर लेने के लिए किसी से ही नहीं, लेने के लिए भगवान से भी न ले, अपने आप को शरण कर दे महाराज, बिना शर्त के मैं आपका हूं। प्रहलाद जी ने कहा है यस्ते आशीष आशास्ते नशा भृत्या सवैवाणिक, वो आपसे कोई आशा रखता है वो आपका भक्त नहीं है, वो तो बढ़िया है व्यापार करने वाला, शरण हो गया आपने ले लिया, लेन देन करने वाला है तो भक्त होता है, वो व्यापारी नहीं होता, वो तो एक शरण हो गया अपने आपको दे दिया, लेना कुछ है ही नहीं, लेना यही है कि आपका शरण हो क्या, बस इसमें क्या लेना है, जब अपने को दे दिया तो लेने क्या रही, लेने का तब होता है जब आप अलग रहता है कुछ लेना, तब लेने की इच्छा होती है, अपने आप को दे दिया तो मैं भगवान का हूँ और सब कुछ मेरा भगवान का है, जब मैं ही भगवान का हो गया तो मेरी चीज क्या रही, मेरी चीज कुछ रही ही नहीं, सब भगवान का ही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा व्यक्ति भी कोई नहीं है, वस्तु भी कोई नहीं है, जो कुछ है सब भगवान का ही है और मैं भगवान का ही हूँ। अब इसमें भगवान के तो हो गया, पर भगवान के लिए भगवान क्या करते हैं, तो भगवान तो कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे को प्यारे हैं, सब मेरे पैदा किए, सब मेरे हैं। गीता में कहा माँ ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तो मेरा ही अंश है, भगवान तो अपना अंश मानते ही है, जिसके दुख क्यों होता है, चिंता ये आफत क्यों आई कि अपने को भगवान का नहीं मानता, भगवान तो मानते हैं। इसमें एक मार्मिक बात है कि मुख्यता किसकी है, मुख्यता भगवान की है, दोनों में यद्यपि समान होता है, क्योंकि दुष्ट हो यद्यपि संबंध संबंध दुष्ट हो तो दो में रहता है, मैं भगवान का भगवान मेरे, भगवान के तेरे मैं भगवान भगत का भगत मेरे, तो दो तरफ भी संबंध होता है, पर दो संबंधों में भी मुख्य संबंध यहाँ भगवान का है। जैसे कोई व्यापारी है बड़ा सेठ है और उसे नौकर रहता है, वो कोई कहते मैं सेठ का हूँ तो लोगों में साख नहीं जमती, और सेठ कहते भी हमारा आदमी है कोई लेन देन का तो लाखों करोड़ों रुपया वो ला सकता है, सेठ के पास उसको दे देते हैं, तो भगवान का कहना मुख्य है, और मुख्य कहा हुआ भगवान का है ही, अपने तो शरणागत होने से भगवान के तरफ संबंध जोड़ने में मुख्य संबंध तो भगवान का हुआ हुआ है ही, ये जीव माने तो भगवान का, न माने तो भगवान का, ये जाने तो भगवान का, न जाने तो भगवान का, ये स्वीकार करे तो भगवान का, स्वीकार न करे तो भगवान का, ईश्वरांश जीव अविनाशी, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु ये स्वयं जब तक भगवान का नहीं हो जाता तब तक इसकी चिंता नहीं मिटती, निर्वात उसको भगवान करते हैं, भगवान ने अपने सबको शरण दे रखा है, ले क्या शरण है, भगवान के ही है, भगवान ने उत्पन्न किए हैं, विष्णु लेगा वो तो है ही भगवान के, क्या पता इसका, क्षमा करो भगवान ने अपना रखा है इसका हमें क्या पता, तो आपको पता बताओ है, आप इतने भाई बहन बैठे हैं, कोई ये कह सकता है कि मैंने अपनी मर्जी से इन माँ बाप के जन्म लिया, कहीं नहीं सकता क्योंकि हमने जान जन्म लिया ही नहीं है, तो जन्म भगवान ने दिया तो भगवान अपना समझते हैं ना, तभी तो जन्म अलग अलग मर्जियां वजह देते हैं वो, और जन्म देने के बाद क्या आपकी मर्जी से सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है, वो भगवान की भेजी हुई आती है, सुखदायी परिस्थिति सुखदायी और दुखदायी भी, सुखदायी में अभिमान कर लेता है ये गलती करता है, अहंकारों में इतनी प्रथा अभिमाना मैंने कर लिया, तो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति वो भेजते हैं स्वतः ही स्वाभाविक ही, आपसे सलाह भी नहीं लेते, अरे भाई सलाह ले तो बालक स्नान को स्नान करा बच्चे को माँ तो सलाह ले तो वो तो सलाह देता ही नहीं, ऐसे भगवान प्रतिकूल परिस्थिति भेजे आपको सलाह नहीं देते,
क्योंकि भगवान अपना समझते हैं सबू क्या ही सलाह है। माँ समझती भोला है सभ्य समझे जो क्या समझ हमारे जो ठीक चीज में कर देती है। इस तरह से भगवान जो करते हैं जो ठीक तरह से कर देते हैं। इस वास्ते भगत के अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो वो हरदम मस्त रहता है कि मेरे को सोचने की जरूरत क्या है। मेरे को तो आज्ञा पालन करना है उसके अनुकूल चलना है उनकी मर्जी रहना है। हमारा तो ये ही काम है अनुकूलता प्रति हमारा मतलब ही नहीं है। हमारा मतलब तो भगवान के आश्रित हो गए बस। गोस्वामी जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा आज भी अभी इसी क्षण ही क्या हुए राम को नाम जो भगवान का होकर भगवान के नाम का जप कर। लोग जप तो भगवान करते हैं पर संसार की होकर अपने माता पिता स्त्री पुत्र परिवार के होकर भजन करते हैं। होए राम को नाम भजो राम को हो जाए फिर भजन करो। भजन पहले ही करो परंतु वास्तव में असर पड़ता है भगवान का होकर भगवान का भजन करने से। और भगवान का होकर करने से अपनी चिंता सब चली जाती है। भगवान को हो गया मेरे को चिंता क्या है। चिंता दीन दयाल को मोमन सदानंद। अब चिंता दीन दयाल कर भगवान करे हमारी चिंता हम चिंता क्यों करें। अरे वे चिंता करते तो मैं बीच में क्या टांग रहूंगा मैं यूं करूँ यूं करूँ ऐसा हो जाए अपनी इच्छा गई सभी। और इच्छा जाते ही महाराज सा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा जिसके कछु नहीं चाहिए सो सहन प्रतिशा। लोग कहते शरणागति प्रतंत्रता है शरणागति महान स्वतंत्रता है। सो सहन प्रतिशा है इच्छा है ही नहीं किंचित मात्र भी चाहना नहीं है। हम चाहने क्यों करें भाई भगवान के शरणों के शरण है तो ये महान स्वतंत्रता है भगवान के शरण होना। तो भगवान के शरण हो गए अब मर्जी भगवान जो जो करे जो करे वही आनंद होगा उसमें। भक्त को प्रसन्नता होती है जैसी परिस्थिति आती है उसी परिस्थिति में आनंद होता है। दूसरे लोग तो सोचते यूं होना चाहिए यूं नहीं होना चाहिए ये जो दो सोचना है ये ही चिंता का मूल है। ये जो चिंता होती है दुख होता है संताप होता है उसके मूल में दो बातें हैं। ऐसे तो होना चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए ये दोनों पकड़ो चाहिए एक को पकड़ लो दुख होगा। और अपने क्यों चाहिए ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं हम क्यों करें भगवान करे वो ही होना चाहिए। राम जी ने कहा भी है राम संतों ने राम कीन चाहे सो ही हो ही करे अन्यथा ऐसा नहीं कोई भगवान का किया हुआ होता है कोई उल्ट फेर तो कर सकता नहीं तो क्यों आफत करे अपने उल्ट फेर के। क्योंकि भगवान सूर्यम स्वरूप भूता नाम की आत्मा मांग शांति मिर्चे थी भगवान उन सबके सूर्य है। मित्र में सूर्य फर्क होता है मित्र बदले के बदले उपकार करता है भगवान वो माने न माने अनुकूल हुए प्रतिकूल हुए ठीक करे वे किसने वो करते ही नहीं तो सूर्य है ये तो सूर्यदेव सबसे सूर्य भगवान है। फिर मैं मेरी चिंता क्यों करूं क्यों अपनी बुद्धि लगाऊं। अरे वैद्य के पास जाता है तो दवाई देने क्यों नहीं कि मीठी दवाई देना इस रंग की देना उस शीशी के देना। अब पंचायती को करे अब देते हैं वो मेरे मित्र है पीयूष पानी है वो देंगे बढ़िया होगी वो देंगे वही बढ़िया होगी। इसलिए भगवान तय करेंगे वो ही हमारे बढ़िया होगी बात। इस बात से निश्चिंत हो जाता है कितनी निश्चिंता कितनी अपनी महाराज आजादी हो जाती है। लोग समझते हैं पर शरणागत परधन है परतंत्र है परतंत्र नहीं महान स्वतंत्र कोई चिंता नहीं खाने पीने की रहने जाने आने की लेना देने की मुक्ति होगी बंधन होगा कहां जाएंगे क्या होगा क्या अपनी क्या मतलब इससे। अब भगवान की जैसे मर्जी हो वैसे करो चाहे दुख से दुख दो कष्ट से कष्ट दो दिवा भूवा मास नरके वा नरकांत का प्रकाम अवधीत सारदार विंदो चरणों ते मरने भी चिंतयामि। दिवास भूवा चाहे स्वर्ग में रखे चाहे पृथ्वी पर रखे नरके वा नरकांत का प्रकाम हे नरकांत बेशक आप नरकों में निवास करें हमारी कोई मांग नहीं कुछ नहीं कही एक मांग हमारी है अवधीर्थ सागर अरविंदो शरणों ते मरने
ये जो सुंदर स्वर्ण कमल है आपका, उसको मैं दया देखू, भूलू नहीं आपको, हे नाथ भूलू नहीं। अब आप भूले भी क्यों कि दूसरा कोई है ही नहीं उसका, तो दूसरे क्यों भूलेगा? भूलेगा वो जो दूसरे के संबंध रखना है, दूसरे के संबंध के देखता है तो भूलता है। अब केवल आपका ही चिंतन हो रहा है, इतना चिंता तो हरि नाम की, और दास दास भी चिंता करता ही नहीं। दूसरी चिंता सो करे, जो जो करे सो ही कार की फास, इस बात की चिंता है ही नहीं। ऐसे भगवान के चरणों के शरण होकर मस्त रहे, सुख दुख वाले जैसा है अपने। देखो एक तो है होना, एक करना। करने में तो आज्ञा भगवान के ले ले, होने में अपने भगवान की प्रसन्नता रखे उसमें राजी रहे, करने में सावधान रहे, होने में प्रसन्न, ये दो बात कर ले। होने में जो होता है उसमें प्रसन्न रहे, करने में सावधान। भगवान की आज्ञा है, संत महात्माओं की आज्ञा है, शास्त्रों की वेदों की आज्ञा है, धर्म की आज्ञा है, उसके अनुसार अपना काम करे, करने में सावधान रहे और होने में निश्चिंत रहे। आदमी करने में तो गफलत करता है, यार होने में चिंता करता है, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। अरे होना तो हाथ की है ही नहीं बात, ये विभाग ही तुम्हारा नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बात को लेकर ही पाप करते हैं, ये अन्याय करते हैं, पाप करे हैं, अत्याचार करते हैं, मान मान घोर पाप करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। तुम है ही नहीं कहो, तुम करो ठीक तरह से, करने में सावधान रहो, और करने में करते हैं पाप, अरे पाप का आश्रय देते हैं, पाप करने से ठीक हो जाएगा हमारे, ये झूठ खबर बेईमानी ठगी करने से हमारे धन हो जाएगा। और कहते हैं हम तो भक्त हैं भगवान के, तुम भगवान के भक्त नहीं हो, झूठ खबर करते हो, कर्मयोगी हैं, कर्मयोग कैसे हो तुम, झूठ कपट करते हो, उसे भगवान का भरोसा नहीं है। हे झूठ देव, हे कपट देव, हे दासारी देव, हे विश्वासघात देव, आप भला करना, ये पापों का आश्रय लिया है, तो करने में पापों का आश्रय, फिर कहते हैं सुख नहीं हो तो महान कष्ट होगा। इस बात से करने में हरदम भगवान के कार्य अनुसार करो, तुम विरुद्ध काम मत करो। ये इस कारण ज्यादा पाप इस कारण से ही होते हैं कि ये हम ऐसा कर हो जाएगा, ये बड़े दुख हो जाएगा। पाप करो, हत्या करो, गर्भपात करो, कुछ करो, दुख करो, क्योंकि बड़े दुख हो जाएगा। इसे तो दुख इतना भयंकर होगा जो भोगना कठिन हो जाएगा, बड़ी कठिनता पड़ेगी। इस वास्ते भगवान के भरोसे रहो, होने में करने में सावधान रहो, है कर्म करे पाप, कर तो कुसंग तो कुशल, जो ये बड़ो अफसोस, करने में तो पाप करे है शांति। समुद्र बांधा गया रावण पर, उस पर रावण तो भंग इच्छा रहते ही हो जाए, जो कर लेंगे हम कर देंगे, आप आफत कर लोगे बाबा। आप तो शास्त्र की, संतों की, धर्म की, वर्णाश्रम की मर्यादा है, उसके अनुसार चलो, किसी को दुख मत दो, किसी को कष्ट मत दो, किसी के दुख देने कष्ट देने की हृदय में सोचो ही मत। अपने चलो तो करने में तो सावधान हरदम, अरे होने में प्रसन्न, क्यों करना आपके हाथ में है तो सोच समझ कर करो, अरे होना आपके हाथ में है नहीं, इस बात भगवान ऊपर रखो। यही कर्मियों की बात, कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल में नहीं, फल जो मिलेगा देखा जाएगा। अपनी क्यों चिंता करे, उसकी जो हो जाएगी ठीक है, क्यों करी गोपाल की सब हो, विधान करने वाले तो विधाता है, वो हमारे परम सुर है, तो उसमें शंका ही नहीं है। करने में भी सावधान रहो, हरदम ये याद रखो, करने में सावधान रहो। करने में तो करते हैं पाप, चाहते हैं कुशल, पुण्य से फल मिच्छन्ति, पुण्य नेच्छन्ति मानवाः, न पाप फल मिच्छन्ति, पापं कुर्वन्ति यतन्ता। पुण्य का फल चाहते हैं, पुण्य नहीं चाहते, और पाप का फल चाहते नहीं, पापं कुर्वन्ति यतन्ता। समझ कर बढ़िया बुद्धि लगा, सोच करके बढ़िया से बढ़िया पाप करते हैं, इस तरह से ये मरेगा, इस तरह से इसका नाश होगा, इस तरह से खत्म होगा, पर पापं कुर्वन्ति यतन्ता। तो विश्व क्यों चाहो भाई, पाप का फल तो दुख भोगना ही पड़ेगा, फिर दुख आ रहा था, घबराते हैं दुख आ गया तो दुख तो आवेगा ही। बीकानेर का यही संसार का है, यही होगा भाई, नतीजा यही होगा। इस वास्ते भगवान के शरण हो और आज्ञा का अनुसार चलो, शास्त्रों की आज्ञा हुआ,
श्रुति स्मृति ममी आज्ञा या उल्लंघ्य प्रवर्तते श्रुति स्मृति मेरी आज्ञा है, इसका उल्लंघन कर पड़ता है। आज्ञा भंगी मम द्वेषी नरके पतते ध्रुवम, आज्ञा भंग करने वाला है मेरे साथ बैर करने वाला है तो नरके पतते ध्रुव, जिससे नरकों में पड़ेगा वो नरक उसे बच नहीं सकता। तो क्यों आफत करो, आफत करो सोचो करो फिर जाओ नरकों में, तो निश्चित रहो भगवान की आज्ञा उसके विरुद्ध मत करो, शास्त्र की आज्ञा धर्म की आज्ञा उसके विरुद्ध मत करो और निश्चिंत रहो। मां सुचा भगवान के शोक क्यों करते हो, तुम शोक करो मत, निशल हो जाओ बस, भगवान की आज्ञा धर्म से आता है, भक्त होकर भगवान की आज्ञा से विरुद्ध चल नहीं सकता। इस वास्ते केवल भगवान के चरणों का आश्रय ले और साथ ही मर्यादा के अनुसार से मर्यादा विरुद्ध काम न करे, जो करने लायक नहीं है वो न करे, करने लायक है वो काम करे, अरे करने लायक वो जो जितना कर सकते हो उतनी करने की जिम्मेवारी है, आप नहीं कर सकते वो आप पर जिम्मेवारी नहीं है। एक तो नहीं कर सकते वो नहीं करना है और एक नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है, करना चाहिए वो करना है। कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की, कितनी सत्य निश्चित बात है। मौज में मस्त में रहो अपने, तो भगवान के शरण हो जाना और निश्चिंत हो जाना, करने में सावधान, कोई किसी तरह का किंचित बात नहीं, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी को किंचित में भी दुख न पहुंचे, सावधान रहो, हो जाए भूल में तो माफी मांग लो, भाई मेरी भूल हो गई, जो पाप वो कर नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, भगवान का हो गया। अरे भगवान का हो जाए तो वो तो आदर्श होता है दुनिया के लिए, यदि यदि आचरती शेष तत्व देवेदना शरीर प्रमाण गुलते लोग सदन वर्द थे, वो करता है वो आदर्श होता है, वो कहता है वो भी आदर्श, उनके आज्ञा का पालन करो तो इतना वो श्रेष्ठ पुरुष हो जाता है। इस वास्ते अपने भगवान के चरणों के शरण हो जाया, उनकी आज्ञा के अनुसार काम करना और निश्चिंत रहना, निर्भय रहना, चिंता नहीं, भय नहीं, शोक नहीं, आशंका नहीं, निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक मौज में मौज में आनंद में रहे। श्रादी वाले संत के यार ये आपद अपने करने में असावधान रहने से है और होने में चिंता करने में, ये दो बात है खास दुख की शोक की। तो करने में हरदम सावधान रहो और होने में हरदम प्रसन्न रहो, क्यों होना है हमारे होना वो भगवान के हाथ में, भगवान है परम सूर्य, हमारा अनिष्ट हो ही नहीं सकता और काम भगवान के आज्ञा से विरुद्ध कर ही नहीं सकते। भगवान के चरणों का आश्रय रखो, मौज हो जाएगी, आनंद रहेगा, कोई चिंता फिक्र की बात नहीं है। ये सार बार नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 5 अक्टूबर 1995 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना सूची के बाद जोधपुर में हुआ। राम।